नमस्ते किसान भाइयों, गिरिराज एग्रो इक्विपमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ नैनो पावर टिलर। नैनो ट्रैक्टर बोलते हैं कोई, नैनो पावर टिलर बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से बोल पाए, लेकिन हम इसको प्यार से नैनो ट्रैक्टर बोलते हैं। छोटा वाला है, माइक मतलब मिनी ट्रैक्टर जो आ रहे थे उससे भी छोटा है, इसलिए नैनो ट्रैक्टर। तो आपको ये नैनो ट्रैक्टर की आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बढ़ने रहेगा लास्ट तक, बराबर है। ये 5 HP में हम बना रहे हैं नैनो ट्रैक्टर। 5 HP डीजल इंजन पे ऑपरेट होता है, एयर कूल्ड इंजन है, इसमें कुछ पानी या रेडिएटर का कुछ झंझट नहीं है, पानी पीछे नहीं चलता है, एयर कूल्ड ही है पूरा, बराबर है। फिर इसमें क्या, पहले वाले जो मिनी ट्रैक्टर आते थे तो उसमें क्या फिक्स जाली रहती थी, उसका जहाँ पे व्हील है उस हिसाब से किसानों को बुवाई करनी पड़ती थी। इसमें हमने वो पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया है कि इसका व्हील है वो 2-2 इंच के अंतर पे कहीं पे भी सेट हो जाता है, मतलब 2-2 इंच पे कहीं पे भी सेट हो जाएगा। तो अभी से किसानों ने जो भी बुवाई की हुई है उसमें ही ये सेट होके चलेगा पूरा, गिरिराज एग्रो का नैनो टिलर, बराबर है। फिर इसमें हम पहले है ना आगे और पीछे चलाने वाला टिलर तो बना ही रहे थे, रिवर्स फॉरवर्ड तो ऑलरेडी बन रहे थे, वो किसानों को पता ही है। लेकिन अभी क्या था, एक तरफ का क्लच दबाते थे तो आगे चलता था, दूसरे तरफ का क्लच दबाएंगे तो पीछे चलता था, बराबर है। तो अभी उसमें फैसिलिटी के हिसाब से एक गियर बॉक्स डाला है, जो गियर बॉक्स है वो इस तरफ करेंगे तो आगे चलेगा, ये न्यूट्रल भी हो जाता है, और इस तरफ करेंगे तो रिवर्स चलेगा, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, चालू करके भी हम देखेंगे, बराबर है। बाद में इसमें एक फैसिलिटी और बढ़ाया है कि लीवर का, जो पहले उधर से लीवर हमको प्लस माइनस करना पड़ता था, वो भी इधर हमने दे दिया है, तो डायरेक्टली इधर से आप कभी भी किसान प्लस माइनस कर सकते हैं, बराबर है। फिर इसमें क्या है कि किसानों को पहले ऐसे पावर टिलर जो ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है पीछे चल के चलाना रहता था, तो बड़ा कोई ऐसा बड़े किसान रहते थे कि उम्र है और ज़्यादा उसको खेती है, 100 एकड़ है, 150 एकड़ के वाले भी किसान रहते हैं, तो उसको क्या था ज़्यादा टाइम चलाना रहता था, वो थक जाते थे, तो सब बोलते थे कि भाई ये खड़ा रह के चलाने वाला या ऐसा कुछ बैठ के चलाए मिनी ट्रैक्टर में जो आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने गए साल ही बना दिया है, ये बैठने का है सिस्टम पूरा, आप इसको इधर से बैठ के ऐसे क्लच करेंगे तो ये पूरा सा ऊपर आ जाएगा, औजार ऊपर आ जाएंगे, तो मतलब आपको वापस घुमा के फिर औजार रख देना है और बाद में वापस चालू कर देना है, तो इस हिसाब से चलता है। आपको कहीं पे एक खेत से दूसरे खेत भी ले जाना है तो इसमें बैठ के आराम से जा सकते हैं, पीछे चल के जाने का ज़रूरत नहीं है। बाद में ये एक दूसरा भी है हमारे पास, इसमें आप तो देख सकते हैं ये खड़ा रहने वाला सिस्टम दिया हमने, इसमें खड़ा रह के भी आप आदमी कहीं पे भी चला सकता है, ये सब खड़ा रह के कर सकता है काम। इसमें स्क्रू वाला सिस्टम है, ये स्क्रू ऐसे करेंगे तो ये पाटला पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा, और यहाँ से भी पीछे का जो है चौड़ाई, वो व्हील का दोनों का चौड़ाई भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं उस हिसाब से, बराबर है। तो ये तीसरा मॉडल है हमारा, और ये 7.5 HP में अवेलेबल है और 5 HP में, दोनों में अवेलेबल है, आप कोई भी मांगेंगे दोनों अवेलेबल है, दोनों मिल जाएंगे, बराबर है। फिर एक आता है ये हमारा स्प्रे पंप वाला सिस्टम, जो किसानों को अलग से फिटिंग करके दिया जाता है। ये देखिए, सेंटर से 4 फीट का अंतर रहता है एक तरफ का, 4 फीट में 3 स्प्रे दिए हुए हैं, वो किसान के हिसाब से अलग अलग करना है कि भाई मुझको 5 लगाना है या 3 की जगह 4 लगाना है, तो वो हम मॉडिफिकेशन इधर करके उसको दे देंगे, बराबर। और यहाँ से उसका हाइट जो है वो 7 फीट तक है, मेरा हाइट 6 फीट है, इसका 7 फीट तक लिया है हमने, बराबर। 7 फीट तक कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर कपास है, एरंडा है, किसी में भी चल पाएगा। फिर इसको 2 बोल्ट खोल के ढीला थोड़ा सा हो जाएगा तो इधर भी आप सेट कर सकते हैं, इसमें मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, उसमें किसी में मूंग हो गया, किसी में भी चला सकते हैं, मतलब लाइन से लगने वाली कोई भी फसल होगी तो उसमें सब में चल पाएगा। फिर इसमें मेटल व्हील हमने दे दिए है, तो मतलब ये आपका जो भी है खर्चा जो होता था कि एक रास्ता जहाँ पे रहता है उस पर काटे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है, फंस जाता है, तो पंचर वगैरह करने गाँव में वापस लेके जाना पड़ता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा पंचर का वगैरह, वेरेंटेज का वगैरह। और इसमें क्या है मेन बेनिफिट ये है कि ये पकड़ करके चलेगा तो आपका जमीन का जो दबाव रहता है
वो पूरा निकल जाएगा। जो जमीन दबने का जो प्रॉब्लम आता था कि बड़े वाले ट्रैक्टर अंदर जाते थे तो किसानों का खेत है वो दबने से उसमें फसल का मतलब थोड़ा सा जो उसका बुआई रहता है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये हमने इस हिसाब से बनाया है कि भाई खाली ऐसे ऐसे पकड़ करके ही चलेगा तो इसमें मिट्टी फिरती जाएगी, इसे घूमती जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारे इधर गुजरात में टोर बोलते हैं, टोर नहीं लगे तो ये जमीन दबने का भी नहीं लगेगा किसी भी। फिर ये आपको दिखा देता हूँ कि ये पहले वाला सादा वाला ट्रैक्टर है, इसमें ये क्लच दबाएंगे तो आगे चलेगा, दूसरा वाला इस तरफ भी क्लच दिया है, ये क्लच दबाएंगे तो पीछे चलेगा। मतलब पूरा आसान है चलाने में, 10-12 साल का लड़का है या किसी लेडीज को भी ये टिलर दे दिया वो भी आराम से चला पाएगी बराबर। और पीछे जो ये चाल रहती है ये जो हमने दी है इधर से, तो ये क्या है खेत में ऐसे ऐसे खेत रहता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे रहता है तो इसमें आसानी से चल पाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे भी ऐसे टिलर बन रहे हैं तो पीछे बोल्टिंग करके डायरेक्टली फिटिंग कर देते हैं तो उसमें क्या है पूरा टिलर ऐसे ऐसे करके चलता है, इसमें टिलर स्मूथली चलेगा, पीछे का औजार है वही थोड़ा इधर उधर होगा बराबर। अभी किसानों आपको हम अपना फैक्ट्री दिखाते हैं पूरा कैसे प्रोडक्शन होता है, आइए बने रहिए हमारे साथ तो आपको आइडिया मिलेगा। ये देखिए सर, ये यहाँ पे पूरा फिटिंग हो रहा है सभी जगह पे, कैसे फिटिंग होगा और ये देखिए इस हिसाब से पहले फिटिंग होता है। पूरा ट्रैक्टर पाउडर कोटेड है, कोई भी पेंट वाला हो 200 वाला 1 लीटर पेंट लगा दिया ऐसा काम नहीं है हमारा, पूरा पाउडर कोटेड ट्रैक्टर आएगा बराबर है। तो आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइफ मिल सके किसानों को, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर का लाइफ बना रहना चाहिए, उसका पेंट का लाइफ भी बना रहना चाहिए। क्वालिटी इज अवर आइडेंटिटी, उस हिसाब से हम चलते हैं सर बराबर। ये देखिए इस हिसाब से बन रहे हैं, 5 HP वाले सारे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मटेरियल भी है। तो पूरा ये साफ जो वगैरह सब रहते हैं हम यूज करते हैं तो पूरा जिंक किया हुआ आएगा, GI कोटिंग गैल्वेनाइज कोटिंग आएगा तो जंग लगने का भी प्रॉब्लम वो उसमें दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको बराबर। एक बार हम फिर से चालू करके भी देख लेते, ये प्रोडक्शन आपने देख लिया, अभी एक बार चालू करके भी हम देख लेते हैं। तो कुंदर ये देखिए एक बार चालू करके देखते हैं हम कैसे चलता है। चलाने में भी बिल्कुल आसान है। चलाने में बिल्कुल आसान है, आगे करने पे आगे जाएगा, पीछे करने पे पीछे जाएगा। गिरिराज नैनो ट्रैक्टर कहीं भी ये मुड़ सकता है आराम से। हाँ एक साइड दबाओगे तो ब्रेक लग जाएगा आराम से, आगे गया ब्रेक लगाएगा, ये न्यूट्रल हो पीछे रिवर्स हो गया, आराम से घूम सकता है किधर भी मुड़ सकता है। फिर आगे किया फिर आगे चल सकता है आराम से, कोई भी चला सकता है गिरिराज नैनो ट्रैक्टर। पूरे दिन चलाने में केवल 3 लीटर डीजल का खपत होता है इसका। ये था हमारा 5 HP वाला ट्रैक्टर, अभी चालू करके दिखाया वो, ये अभी 7.5 का है, 7.5 HP में भी हम चालू करके आपको दिखाएंगे। पूरा इंजन और पूरा जो भी चीज इसमें सर हमने लगाया है पूरा मेड इन इंडिया है। हमारा इंजन भी राजकोट का है, चेतक ब्रांड का इंजन आएगा बराबर है। तो आपको कहीं से भी ऑल इंडिया में कहीं से भी पार्ट्स मिल जाएंगे, आज 2 साल के बाद 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आया।
चलाने में बिल्कुल आसान। इसमें भी इस साइड गियर करेगा तो आगे जाएगा। इसको घुमाने का तो आपको इधर का ऊपर ही घूम जाएगा। ऐसा 360 डिग्री कहीं पे भी आराम से मुड़ सकता है। अभी न्यूट्रल हो गया है ये, अभी ये पीछे चल रहा है आराम से, कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, कहीं पे भी ले जाए। दोनों जगह से गियर चेंजेस होगा, आगे से भी और साइड में से भी। बंद करने में भी बिल्कुल आसान, एक अंगूठा लगाने से बंद हो जाता है। गियर रिवर्स फॉरवर्ड सभी ट्रैक्टर में एक जैसा है। ऊपर चल के खड़ा रह के चलने वाला बाटला है, आराम से खड़ा रह के आप चला सकते हो। पीछे खड़ा रहने वाला है तो वो भी जैसा आराम से चारों ओर मुड़ सकता है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, एक हाथ से भी कोई भी आदमी चला सकता है इसको।